हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट एक रिलेवेंट चैनल है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे आने वाले एग्ज़ाम यानी आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ आपका जो पेट एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके अलावा बिहार टीचर्स की भर्ती और साथ में साथ जो ERMS की वैकेंसी आई है उसके लिए भी ये हिंदी का वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और करंट अफेयर भी अब जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, और एग्ज़ाम से पहले आपको करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज जो है दी जाएगी। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम लोग हिंदी के 60 प्रश्न पूरा एक पेपर हिंदी का कम्प्लीट करेंगे, और आप अपनी तैयारी भी यहाँ से परख सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो आर ओ आर ओ 60 प्रश्न हिंदी के रहेंगे, इसमें 6 टॉपिक जो हैं पूरे कवर रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें पहला प्रश्न है, देवर का तत्सम रूप क्या है? तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, द्विवर। द्विवर मतलब दोबारा जो वर बनते हैं उसको देवर कहते हैं। तो दूसरा जो है प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा, मोती तत्सम नहीं है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौतिक होता है। नेक्स्ट होता है, पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पलंग का तत्सम रूप पर्यंक होता है, तो ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला, इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो दिन जो है तद्भव है, इसका तत्सम जो है दिवस होता है, तो इसका ए वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है? तो अखरोट का तत्सम रूप इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, अछोट इसका तत्सम रूप है। नेक्स्ट, अकार्य शब्द का तत्सम रूप है? तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, अकार्य का तत्सम होता है अकाज। अगला, टकसाल शब्द का तत्सम रूप है? तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, टंकसाला इसका तत्सम रूप होता है। आठवां, इनमें से तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम है? तो पद जो है इसमें तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है, जैसे 12 का द्वादश होता है, सच का सत्य होता है, भैंस का भी तत्सम होता है। अगला, नौवां, गोबर का तत्सम रूप है? तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, गोमय। दसवां, माँ का तत्सम रूप है? तो मातृ, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, माँ का तत्सम रूप क्या होता है? मातृ होता है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये विशेषण नहीं है, बाकी निर्भीक, भयभीत, भीरू, ये सब विशेषण हैं। विशेषण क्या होता है? किसी शब्द की विशेषता बताने वाले, स्पेशली संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। हमारा एक वीडियो विशेषण विशेष्य पे पड़ा हुआ है, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, सुंदरता, तो ये सुंदरता वाला विशेषण सही है। अगला प्रश्न है, 13, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। तो कृषकाय जो है, कृषकाय मतलब दुबला पतला, तो कृषकाय व्यक्ति, ये कृषकाय किसकी विशेषता बता रही है? विशेषण की, व्यक्ति की। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वही होता है विशेष्य। तो इसमें पूछ रहा है विशेष्य क्या है, तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, व्यक्ति जो है इसमें विशेष्य है। अगला, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं? तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, विशेष्य कहते हैं। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है? तो ये ए वाला सही है, पांचवी, ये क्रमवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये क्रमवाचक विशेषण है, ए वाला आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण कौन सा है? तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है। अगला, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण में समुदायवाचक विशेषण है, दोनों एक समुदाय बन रहा है, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, प्रतिदिन जो है कालवाचक विशेषण है। अगला, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, गलत है, जबकि देखने से लग रहा है यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ऐसा होना चाहिए था, तो सी वाला जो है इसमें
सही रहेगा आंसर। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो गुणवाचक विशेषण के 6 भेद हैं। रंग रहता है, आकार रहता है, संख्या रहती है, तो ये जो है गुणवाचक 6 प्रकार के होते हैं, वो आपको डिटेल में विशेषण विशेष के वीडियो में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये लहर का पर्यायवाची नहीं बल्कि दुकूल वस्त्र, दुकूल अंबर, ये कपड़ा का पर्यायवाची है सर, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय नहीं है, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, विबुध, ये दो देवता का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है कल्पशाल, कल्पशाल, कल्प मतलब वृक्षशाला, मतलब जहाँ पे ढेर सारे वृक्ष रहें तो उसको बगीचा या कल्पशाला कहते हैं, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा, वज्जी, ये तुरंग का पर्यायवाची है। अगला 25, विडौजा पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, विडौजा जो है इंद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, मार शब्द पर्यायवाची है, तो इसका ए डी वाला आंसर सही हो जाएगा, अनंग, अनंग का पर्यायवाची है मार। अगला, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है, रसा का पर्यायवाची शब्द डी वाला हो जाएगा, तमिश्रा। अगला, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है केसरी, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, खटपद शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका बी वाला आंसर भ्रमर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो है झक होता है, सफरी होता है, मत्स्य होता है, मीन भी होता है, लेकिन जलोदरी नहीं है, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इप्सित शब्द का विलोम है, तो इप्सित का विलोम होता है अनिप्सित, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वजाति का विलोम है, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, विजाति। अगला, उन्मूलन का विलोम शब्द है, उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा निमीलन। नेक्स्ट है, अमित का विलोम शब्द है, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, परिमित, अमित जिसको मापा ना जा सके, परिमित। फिर अगला 35वां है, श्री गणेश शब्द का विलोम है, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, इतिश्री। अगला, धनी का विलोम शब्द है, डी वाला आंसर हो जाएगा, निर्धन। नेक्स्ट है, उन्मीलन का विलोम शब्द है, डी वाला आंसर हो जाएगा, निमीलन। नेक्स्ट है, अधिकृत शब्द का विलोम है, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, अनाधिकृत। अगला, अनुलोम शब्द का विलोम है प्रतिलोम, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा, प्रतिलोम। नेक्स्ट, परिश्रम का विलोम है, तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा, विश्राम। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो यह रुमाल अच्छी है, रुमाल अच्छी होती है, उसकी दही खट्टा, खट्टी नहीं दही खट्टा होता है, मकान बहुत अच्छा है, उसका मकान बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 42, इनमें से शुद्ध वाक्य है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तो ये वाला शुद्ध वाक्य है, डी वाला, इसमें से डी वाला शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, वांग्मय। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट 45, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो अंतर्धान, तो ए वाला आंसर सही हो जाएगा, अंतर्धान। नेक्स्ट, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, मेघनाद, मेघनाद इसकी वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट आता है 7वां, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसकी सी वाला आंसर हो जाएगा, जागृत। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा, ज्योत्सना। अगला, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु। तो दोस्तों, ये रहा आपका हिंदी का वीडियो। अगला हम टॉपिक वाइज जो है अब वीडियो करेंगे, हिंदी का टॉपिक वाइज वीडियो, पहले विलोम शब्द आएगा, फिर पर्यायवाची, फिर विशेषण विशेष। तो आप लोग चैनल पर ज़रूर जुड़े रहिए,
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। नेक्स्ट 50 है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा सन्यासी। नेक्स्ट, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं, तो बी वाला हौदा कहा जाता है। नेक्स्ट, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा अप्रमेय। नेक्स्ट, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसको डी बी वाला औपनिवेशिक कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्यम पश्चा, तो इसका जो है डी वाला आंसर हो जाएगा रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यम पश्चा कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो इसका ए वाला आंसर होता है, जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है उसे रिक्त कहा जाता है। नेक्स्ट, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा पतित, गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त तो होने वाला शब्द है स्वयं सेवक, तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। नेक्स्ट, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सी वाला आंसर हो जाएगा अंतेवासी। अगला, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा कृतार्थ। नेक्स्ट, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, तो इसको कहते हैं बी काली सूची, जो नियम के विरुद्ध या असामाजिक कार्य करते हैं उनको काली सूची या ब्लैक लिस्टेड कहते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो, 60 प्रश्न हिंदी के रहे, इसमें हिंदी में विलोम पर्यायवाची और विशेषण विशेष्य शुद्ध अशुद्ध वर्तनी और वाक्य के लिए एक शब्द शामिल था। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं बताइए। अब हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो शुरू करेंगे, तो एक वीडियो में पूरा विलोम रहेगा और इसी तरीके से चलता रहेगा, फिर प्रैक्टिस सेट भी कराई जाएगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने।